मॉर्निंग कैसे हैं आप? एकदम दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। और सभी लोग सो रही है कि नहीं आप लोगों की तरफ? इलाहाबाद काफी दिनों के बाद। और मंजू कैसी है? अच्छा, बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। और सिमी कैसे हो? सिमी जुड़ी है कि नहीं? सिमी तुम दिल्ली तो नहीं रही हो क्या? कुछ दिन दिल्ली रही हो क्या? अच्छा, नहीं नहीं मतलब दिल्ली पहले तुम रही हो क्या? हाँ, इसीलिए हाँ जी और ना जी का ट्रेंड वहीं पर है। अमरदीप कैसे हो? कल सुबह इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी और काफी तेज बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बंद कर दिया था। शाम को इलेक्ट्रिक सप्लाई सही तो हुई, लेकिन कल ऐसे ही मन नहीं कर पा था। कोई बात नहीं, एक आध दिन बीच में ब्रेक ले देना चाहिए। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रांजिशन एज की, और ट्रांजिशन एज में हम लोगों ने जॉनसन को पढ़ लिया, और जॉनसन के बाद आज चर्चा होनी है जेम्स थॉमसन के बाद पीवी शैली को फर्सी की, विशप फर्सी की चर्चा होगी, मैक फर्सन की, और इसके बाद थॉमस डे की, कॉलिंस की, बर्न्स की। ये जो सारे के सारे पोएट हैं, ये रोमेंटिक एरा के प्री जनरेशन के पोएट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो रोमेंटिक एरा की शुरुआत अचानक से नहीं हुई, उसके पहले की कुछ पृष्ठभूमि है। जेम्स थॉमसन, थॉमस डे, कॉलिंस और विशप पर्सी, थॉमस मैक फर्सन, इन सारे लोगों ने अपना अलग अलग योगदान दिया, और जिसकी पूर्ण परिणति 1798 में जब लिरिकल बैलेट का प्रकाशन, रोमेंटिक एरा की शुरुआत में, इसके पहले के अलग अलग कवियों का योगदान रहा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जेम्स थॉमसन। कुछ बातें मैंने लिख दी हैं, ट्रांजिशन ये भी जरा जिक्र करते हैं। तो जेम्स थॉमसन कैन राइटली बी सेड द हार्बिंगर ऑफ रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदता भाग का वो अग्रदूत है। He was born in 1700 and died in 1748. और ये ध्यान रखिएगा कि the seed of romanticism was sown
विद पब्लिकेशन ऑफ थॉमसन स्लांगर पोयम सीजन। रोमानियतवाद का या स्वच्छंदतावाद का जो बीज है वो बोया गया था थॉमसन की लंबी कविता सीजन के प्रकाशन के साथ। और सीजन में चार सीजन के ऊपर कविताएं लिखा था। पहली कविता है सीजन की विंटर, इट वाज पब्लिश्ड इन 1726। उसके बाद दूसरी कविता है समर, तीसरी कविता है स्प्रिंग और चौथी कविता है ऑटम लास्ट पोयम। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विच वाज द फर्स्ट पोयम ऑफ द सीजन। तो पहली कविता है विंटर जिसका प्रकाशन 1727 में, और जो लास्ट पोयम है सीजन की यानी कि चौथी कविता उसका प्रकाशन 1730 में हुआ था। और खास बात यह है कि द पोयम वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स। कविता अतुकान, हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। नहीं ये 26 है, 27 नहीं। हेलो नहीं नहीं 20 बोलने में हो सकता है कभी जबान फिसल जाती है भाई जी। द फर्स्ट सीजन की जो पहली कविता है वो विंटर है जिसका प्रकाशन 1726 में, और लास्ट पोयम सीजन की कौन सी है ऑटम जिसका पब्लिकेशन ईयर है 1730। प्रश्न ये भी DSSB में पूछा गया है कि द सीजन वॉज रिटन इन हीरोइक कोपलेट, स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर्म, क्वाड्रेन और इन ब्लैंक वर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीजन नाम की कविता ब्लैंक वर्स में लिखा था थॉमसन ने। एंड द पोयम बिकेम सो पॉपुलर दैट रीडर्स रेड इट नेक्स्ट टू पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बनियन की जो कविता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसकी लोकप्रियता के बाद अगर कोई दूसरी कविता लोकप्रिय हुई तो वो थॉमसन की सीजन हुई। उसका दूसरा वर्क है द लिबर्टी। द लिबर्टी वॉज ऑल्सो कंपोज इन ब्लैंक वर्स, इट इज शॉर्टर पोएम बट इट इज इनटॉलरेबली डल, लेकिन बेहद नीरस कविता है। और इसके बारे में जॉनसन ने कमेंट भी किया है, द प्रेज ऑफ लिबर्टी वॉज कंडेम्ड टू हार्बर स्पाइडर एंड गैदर डस्ट। वैसे तो लिबर्टी की प्रशंसा किया है थॉमसन ने, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्टाइल की बात की जाए, कंटेंट्स मैटर की बात की जाए, तो इसकी आलोचना की जा सकती है। जैसे कि हार्बर स्पाइडर इस कविता में या इस कविता की किताब पर केवल और केवल कीड़े मकोड़े ही आ सकते हैं और इसके ऊपर धूल ही जम सकती है। सो यू कैन से दैट इट वॉज इनटॉलरेबली डल कंपोजिशन ऑफ थॉमसन। नाउ लेट्स कम ऑन हिज अनदर पोयम, इसको मिटा दें, नोट कर लिया हूँ तो मिटाएं इसको। हेलो थॉमसन की अगली रचना रूल ब्रिटानिया, रूल ब्रिटानिया। एक चीज भी ध्यान रखिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दिस इज स्टिल वन ऑफ नेशनल सॉन्ग्स
नेशनल सॉन्ग्स ऑफ इंग्लैंड, रूल ब्रिटानिया को इंग्लैंड के राष्ट्रीय गान में शुमार किया जाता है। एंड इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, जो लोग बाद में जुड़े हैं रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग के बाद में पढ़ाऊंगा। और उसकी जो प्रसिद्ध कविता है कैसल ऑफ इंडोलेंस, कैसल ऑफ इंडोलेंस बेटर रहेगा, कैसल ऑफ इंडोलेंस। कैसल ऑफ इंडोलेंस में थॉमसन ने स्पेंसेरियन स्टैंजा का प्रयोग किया है। स्पेंसेरियन स्टैंजा, इट इज रिटन इन टू कैंटोस, दो खंडों में एक कविता लिखी गई है जिसमें स्पेंसेरियन स्टैंजा फॉर्म का प्रयोग किया है थॉमसन ने। द फर्स्ट कैंटो कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सबटल डिस्क्रिप्शन कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, द सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैसल द सेकेंड कैंटो deals with the second canto deals with art and the art beauty and industry। दूसरे कैंटो में, वैसे तो कैसल ऑफ इंडोलेंस दो खंडों की कविता है, फर्स्ट कैंटो में केवल और केवल कैसल के नाजुक सौंदर्य का जो है वर्णन किया है, लेकिन सेकंड कैंटो जो कि फर्स्ट कैंटो का कंट्रास्ट कहा जा सकता है, उसमें कला सौंदर्य और परिश्रम, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ परिश्रम है, परिश्रम की चर्चा करता है। इसके बाद हम लोग जेम्स मैकफर्सन की चर्चा करेंगे, बताते रहे इसको, क्योंकि छोटे छोटे कवि हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा थोड़ा थोड़ा करके रोमेंटिसिज्म को स्थापित करने में। तो हर तरह के कवियों जो कि नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा करना जरूरी है। जेम्स मैकफर्सन कभी है, जेम्स मैकफर्सन, जेम्स मैकफर्सन वाज बोर्न इन 1736 एंड डाइड इन 1796। His contribution to English literature was revival of medieval character
medieval characters and theme which were long forgotten. Which were long forgotten after Elizabethan era. ये ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथन दौर में जो प्री एलिजाबेथन पोएट्स थे, जैसे कि खासतौर से नाम लिया जा सकता है स्पेंसर का, तो स्पेंसर में फेयरी क्वीन ने मध्यकालीन नाइट्स और सुपर नेचुरल एलिमेंट का प्रयोग किया है, जो एलिजाबेथन दौर के बाद पूरी तरह से ऑगस्टन एज तक किसी कवि ने भी मेडिवल थीम के ऊपर और मेडिवल मध्यकालीन पात्रों के ऊपर चर्चा नहीं किया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम मैकफर्सन ने किया था. ही रोट टू मॉन्यूमेंटल पोएम वो दो स्मरणीय कविता लिखा. मॉन्यूमेंटल पोएम पहली है द फिंगर इन सिक्स पार्ट, छह खंडों में फिंगर को लिखा, और दूसरी कविता है टेमार. इट इज रिटन इन एट पार्ट्स, आठ खंडों में कविता लिखी गई है और एपिक नेचर की कविता है, और इसके जो कैरेक्टर हैं दे आर अलाइव, द कैरेक्टर्स डेलिनिएटेड बाय स्पेंसर इन हिज फेयरी क्वीन. नेक्स्ट है थॉमस पर्सी या बिशप पर्सी, नोट कर लिया हूँ तो मैं इसको मिला हूँ. अगला राइटर है विशप पर्सी. विशप पर्सी को थॉमस पर्सी भी कहते हैं. वास्तविक नाम था थॉमस पर्सी, लेकिन वो विशप था. ही वाज बिशप ऑफ आयरिश चर्च. ही वाज बिशप ऑफ आयरिश चर्च. इसीलिए उसको बिशप पर्सी भी कहा गया. बॉर्न इन He was born in 1729 and died in 1811. Bishop Percy was not a poet. A
वैसे तो मिसा पर्सी कोई कवि नहीं था, बट ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट deep interest in relic poetry विश्व प्रसिद्ध। ध्यान रखिएगा, कोई जो है वो ना तो राइटर था ना कवि था, लेकिन प्राचीन पोएट्री में, प्राचीन कविताओं में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। ही कनेक्टेड He collected 121 ballads and got them published in a book entitled Relics of Ancient Poetry। The Relics of Ancient Poetry, प्राचीन कविताओं के अंशावशेष। Ancient Poetry और ये विशेष तौर पर नोट में लिख लीजिएगा, दिस वेरी This very collection of ballads inspired Wordsworth and Coleridge to publish lyrical ballad क्योंकि relics of ancient poetry में 121 ballad जिसका संकलन किया था विश्व पर्सी ने, और इसी बात से प्रेरणा लेकर के 1798 जब lyrical ballad का पहला एडिशन आया था तो टाइटल दिया था कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट। अगर नोट कर लिए हों तो जो है फिर मिटा दें और आगे की चर्चा। नोट हो गया है, ओके। देखते जाइए कि धीरे धीरे करके प्रत्येक कवियों ने रोमांटिसिज्म की स्थापना में अपना योगदान दिया था। जैसे कि अगर हम थॉमसन की बात करें तो जो प्रकृति तत्व था कविता में, जिसका प्रयोग एलिजाबेथन दौर के बाद ऑगस्टन एरा तक नहीं हुआ था, तो नेचुरल एलिमेंट को सप्लाई करने का काम थॉमसन ने किया। और थॉमसन के बाद फिर जो काव्य में एक शिथिलता होनी चाहिए, एक आलस या एक अलमस्ती होनी चाहिए, उसका प्रयोग थॉमसन ने इन कैसल ऑफ इंडोलेंस लिख करके दिया। फिर बैलेट का जो प्राचीन कविताओं मैकफर्सन का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा कि वो मध्यकालीन पात्रों और मध्यकालीन थीम कथानक को फिर से पुनर्जीवित किया। मैकफर्सन और विश्व पर्सी का योगदान ये रहा कि प्राचीन जो बोले विषय जिस बैलेट्स के राइटर का आज तक पता नहीं चल पाया है, उन प्राचीन और प्रसिद्ध बैलेट का संकलन किया पर्सी ने और उसको छपवाया रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पोएट्री में। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं विलियम कूपर की
विलियम कूपर। विलियम कूपर वॉज बॉर्न इन 1731 Riot in 1800. He did not write. Any longer poem, but he wrote on miscellaneous topics, related to day to day incidents. ऊपर ने कोई लंबी कविता नहीं लिखी, वो ऐसे टॉपिक का चुनाव करता था जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होते थे। He brought out a collection of 24 poems. एक काव्य संकलन उसने प्रकाशित करवाया था। The famous केवल और केवल 24 कविताएं हैं। The famous poems. The famous poems of the collection. मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। जैसे द ट्रुथ, ट्रुथ को चैरिटी, कन्वर्सेशन, चैरिटी कन्वर्सेशन एंड रिटायरमेंट, ये जो 5 कविताएं हैं वो 24 कविताओं के संकलन की जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताएं हैं। मिटा दें, अब लोग भी आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रोज राइटर की चर्चा कर लिया जाए। Edmund Burke was born in 1729. And died in 1797. He was a philosopher. And he wrote Reflection. उसकी जो है सबसे प्रसिद्ध वो
वो रचना है जिसका टाइटल है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज रिटन ऑन, इज रिटन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ऑन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर, और ये दिखाया है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कारण क्या होते हैं। न केवल फ्रांसीसी क्रांति बल्कि विश्व की जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं वो अचानक से उनका एरप्शन नहीं होता है, उनका विस्फोट नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे करके कुछ ऐसे कारण हैं जो बाद में चल करके विस्फोटक रूप धारण कर लेते हैं और वही क्रांति कहलाने लगती है। तो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके परिणाम के बारे में विस्तार से चर्चा किया है बर्क ने, और हिज लास्ट वर्क इज आपस में आप लोग बात करेंगे द आइडिया ऑफ सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, द आइडिया ऑफ सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल। वास्तव में इट इज रिटेन इन इट इज एन इमिटेशन इमिटेशन एंड एलेबरेशन ऑफ लॉन्जाइनस क्रिटिकल कमेंट्री ऑन सब्लाइम। रोमन क्रिटिक है लॉन्जाइनस, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जब आलोचना का इतिहास पर चर्चा होगी तो विस्तार से मैं लॉन्जाइनस के और उसकी रचनाओं के बारे में। वास्तव में द आइडिया ऑफ सप्लाइम एंड ब्यूटीफुल ये कोई ओरिजिनल आइडिया बर्क की नहीं थी, बल्कि वो प्रभावित था लॉन्जाइनस की रचना ऑन सप्लाइम से। और ऑन सप्लाइम का जैसे कि सबसे पहले इसका अनुवाद किया था रॉबर्ट डेलो ने इटालियन में, और फिर इटालियन से इसका अनुवाद किया था फ्रेंच लैंग्वेज में बायरो ने, और फिर बायलो की रचना से प्रभावित होकर के एडम स्मिथ ने इसका इंग्लिश में अनुवाद पेश किया, और बाद में उसका विस्तार किया एडमंड बर्क ने। समाप्त हो गया समय। तो मित्रों आज इतना ही, और टाइम भी सेशन का समाप्त हो रहा है, शाम को हम लोग मिलते हैं लैंग्वेज के साथ, और कल और परसों दो दिन मॉर्निंग सेशन में हम लोग प्री रोमांटिक एरा के जितने भी राइटर हैं उसकी चर्चा कर लेंगे विस्तार से, और फिर हम लोग रोमांटिक एरा की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।